जय हिंद जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। देखिए आज 15 तारीख है और हम आप लोग से वादा किए थे कि 15 तारीख को हम लोग एक नया बैच लेके आएंगे जिसमें वैसे बच्चे जो कोचिंग करने में असमर्थ हैं उनके लिए हम लोग ये एक प्रयास कर रहे हैं जिसमें 10th क्लास का पूरा सब्जेक्ट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कम्प्लीट करने जा रहे हैं। आज से हमारा पहला वीडियो कोर्स के अकॉर्डिंग जाने वाला है क्योंकि पहला वीडियो हमने आपको बहुत पहले अपलोड किया था, आप लोग देखे भी होंगे और बहुत लोगों ने अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे एक छोटे से वीडियो को लगभग 18 से 20 घंटा लोगों ने उसको देखा और आप लोगों ने हमें इतना अच्छा सा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज से हम लोग का पहला वीडियो जो है कोर्स के अकॉर्डिंग जाएगा जिसमें हम लोग सबसे पहले साइंस पढ़ने जा रहे हैं। साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर करेंगे। ये तीनों जो बुक है इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर दूसरा चैप्टर आइए जब दूसरा चैप्टर यदि शुरू करेंगे तो वहां केमिस्ट्री का सॉरी पहला चैप्टर हो जाएगा केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे इसका पहला चैप्टर। यानी एक एक चैप्टर हम लोग बारी बारी से क्या करने जा रहे हैं कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा फिजिक्स का तो फिर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर बायो का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसके पैरेलल में आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि मैथ का क्लास भी चलेगा जिसका हम लोग पूरी सूचना जो है वीडियो के लास्ट में आपको हम बता देंगे कि मैथ का जो बैच है वो कब से शुरू होगा और उसका टाइमिंग क्या होगा, वो सारी चीज हम लास्ट में आपको बता देंगे। खैर अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम है, आप लोग को पता भी होना चाहिए कि सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रावर्तन। अब देखिए दो वर्ड हम लोग को यहां पे है, एक प्रकाश और दूसरा प्रावर्तन। जरा पहले इस दोनों शब्द के बारे में जानते हैं। सबसे पहला शब्द जो है वो हमारा है प्रकाश। ये प्रकाश क्या होता है जरा समझते हैं। आप लोग बचपन में लाइट नाम जरूर सुने होंगे और अभी भी सबसे ज्यादा वर्ड यूज करते होंगे लाइट आ गया, लाइट कट गया, लेकिन कभी आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि प्रकाश आ गया और प्रकाश कट गया। आप लोग लाइट कहते क्या, तो रूम में उजाला होता है तो बोलते लाइट आ गया और अंधेरा होता है तो बोलते कि लाइट कट गया। लेकिन जरा ध्यान सुनिए, कभी आपने कहा है कि प्रकाश आ गया, प्रकाश कट गया, ये वर्ड आप कभी यूज नहीं किए होंगे। लेकिन ये हिंदी में हम लोग लाइट को याद रखिएगा क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो होता होता क्या है तो याद रखिएगा, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। याद रखिएगा सबसे पहला हमने प्रकाश के बारे में एक वर्ड बोला कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। अब ये आप कभी नहीं बोलिएगा कि सर जिसका आंख नहीं है उसको कितना भी प्रकाश दे दे तो उसको देखने में तो मदद करेगा नहीं। तो ये जो है प्रकाश वैसी व्यक्ति को देखने में मदद करेगी जिनके पास आंख होता है। अब जिनकी आंखें हैं उनको प्रकाश जो है वो देखने में मदद करता है। अर्थात प्रकाश जो है याद रखिए एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। दूसरा लाइन जरा समझिएगा प्रकाश के बारे में, ये जो प्रकाश होता है वो इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा लाइन हमने कहा, यानी पहला लाइन में बोले थे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, और दूसरा इस लाइन जो हम कह रहे हैं कि प्रकाश जो होता है इसको गमन करने के लिए किसी अन्य माध्यम या किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले होता है गमन वर्ड के बारे में, गमन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। यानी प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब माध्यम में आप लोगों को थोड़ा बहुत ये पढ़े भी होंगे ध्वनि के बारे में, तो आप लोग क्लास जब 9th में थे तो वहां पे आप पढ़े होंगे ध्वनि के बारे में, तो वहां बताया गया होगा कि ध्वनि जो होता है बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। माध्यम रहेगा तभी ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होगा, अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि जो होगा उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन ये प्रकाश के साथ नहीं है, प्रकाश जो है इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये निर्वात में भी गमन करता है। अब निर्वात एक वर्ड आएगा जरा समझिएगा इसको, हमने कहा कि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करता है।
अब निर्वात का मतलब सीधे सीधे एक बार देखिएगा कि शून्य, जहां पे कुछ ना हो। थोड़ा देर के लिए समझिए कि मान लीजिए कि हम किसी रूम में हैं, उस रूम में का सारी चीजें निकाल दें, हवा को भी निकाल दें, तो उस समय जो क्षेत्र बनेगा उसको हम लोग कहते हैं निर्वात। यानी प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है, और सबसे ज्यादा अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो याद रखेगा प्रकाश की सबसे ज्यादा जो अगर चाल होती है वो कहां होती है, निर्वात में होती है। ये प्रकाश की जो सबसे ज्यादा चाल कहां पाई जाती है, निर्वात में। कितनी होती है तो ये भी याद रखिएगा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा क्योंकि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ये टॉपिक बन जाएगा, ये इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान के चलिएगा आपके लिए हो गया, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। आपको मालूम होगा कि इस बार के बीपीएससी के एग्जाम में भी ये पूछा था कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है, निर्वात में। कितनी होती है तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया प्रकाश के बारे में। हमने क्या क्या बताया, तो बताया कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये निर्वात में सबसे तेजी के साथ गमन करती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश जो है एक याद रखिएगा तीसरा टॉपिक कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है वो क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये वैसे तरंग होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो उनको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश जो है एक प्रकार का तरंग भी है, तो कौन सा तरंग में आता है इसकी काउंटिंग, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो याद रखिए तीसरा टॉपिक हमने बता दिया आपको कि प्रकाश जो है वो क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इतना चीज हम लोग जान गए कि भाई प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, ये हमें देखने में मदद करती है, इसको गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका सबसे ज्यादा स्पीड जो होता है निर्वात में होता है, और 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर और डिस्कस करते हैं कि हम लोग का प्रकाश जो है ये सबसे बड़ा चीज है कि भाई प्रकाश जो है अगर मान ले विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये कौन सा तरंग है। सबसे बड़ा चीज है कि अगर तरंग है तो कौन सा तरंग। अब आप कहिएगा ये सब तरंग में क्या, तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। दो तरह के तरंग आपको पढ़ने के लिए मिला था 9th में, अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। अब जरा याद रखिएगा कि यहां पे हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो है, यहां लिख देते हैं, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा इस चीज को, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि प्रकाश जो है किस तरह का तरंग है, तो प्रकाश जो है याद रखिएगा कौन सा, तो अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति का ये होता है। तरंग आप लोग पढ़ चुके हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, क्लास 9th में आपको पढ़ना था। तो अगर आपसे कोई पूछ भी दे कि प्रकाश के जो तरंग की प्रकृति होती है कैसी होती है, तो याद रखिए बताइएगा उनको कि प्रकाश की जो तरंग की प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करेगा ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए कि प्रकाश से जो तरंग की प्रकृति होती है क्या होती है, तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। ये तो था प्रकाश के बारे में, प्रकाश जो है उसके बारे में हम लोग इतना चीज समझे। लेकिन याद रखिएगा आगे जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो वहां पे प्रकाश को लेकर कई तरह की आपको बातें मिलेगी पढ़ने के लिए। उसमें आपको बताया जाएगा कि प्रकाश जो है कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वो तरंग है, और कुछ वैज्ञानिक जो थे इसको मानते थे कि नहीं वो एक छोटे छोटे ऊर्जा के कणों से मिलकर बना है। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करा दें। याद रखिएगा 1678 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगेन। नाम याद रखिएगा, 1678 में वैज्ञानिक का नाम क्या था, हाइगेन। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कहा कि प्रकाश जो है एक तरंग का रूप है।
यानी प्रकाश जो है एक तरंग का रूप है, ये सबसे पहले किसने कहा था? तो 1678 में हाइगेन जो थे इन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रकाश जो है एक तरंग का रूप होता है। लेकिन उसके बाद से 1901 में एक वैज्ञानिक आए, याद रखिएगा 1901 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मैक्स प्लांक, याद रखिएगा मैक्स प्लांक नाम के एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलके बना है जिसको हम लोग फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फोटॉन। तो ये दोनों थ्योरी जो है आपको आगे पढ़ना है, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा फिर से डिस्कस करा देते हैं कि जब आप आगे पढ़ने जाइएगा तो वहां आपको बताया जाएगा कि प्रकाश जो है वो एक तरंग का रूप है। इसको सबसे पहले किसने बताया? तो 1678 ईस्वी में हाइगेन ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश जो है एक तरंग का रूप है। लेकिन 1901 में मैक्स ने सबसे पहले बताया कि नहीं, प्रकाश जो है वो तरंग का रूप नहीं है बल्कि वो ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन कणों को हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर तो फिर हम तरंग माने या ऊर्जा का कण माने, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई तरंग का रूप है और मैक्स साहब जो थे उन्होंने कहा कि नहीं वो तो ऊर्जा के छोटे छोटे कण से मिलकर बना है जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं, तो हम लोग किसको माने? तो ये देखिए ये अवधारणा तब तक चलती रही जब तक प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत नहीं आया। आने वाले समय में जब प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आया तो उसमें क्या किया गया, इस दोनों मत को समाप्त किया गया। यानी कहने का मतलब है तब ये सिंहासिक हम लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया कि तरंग है या ऊर्जा का कण है, क्योंकि आप जब आगे पढ़िएगा तो आपको हम बताएंगे उसमें प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत ने कहा कि ना तो प्रकाश तरंग है और ना ही ऊर्जा का वो कण है, जिसके बारे में आपको 11th क्लास में काफी ज्यादा डिस्कस करना है। तो वो चीजें उतना नहीं जानना है आपको यहाँ पे, बस आप थोड़ा बहुत इतना याद रखिएगा कि प्रकाश जो है एक तरंग का भी रूप है। किसने बताया था? हाइगेन ने। कब? 1678 में। और मैक्स साहब ने 1901 में क्या बताया था कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे ऊर्जा के कणों से मिलकर बना है जिसको हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। जरा एक बार रिविजन करते हैं जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा प्रकाश क्या है, तो हमने कहा प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने में मदद करता है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये निर्वात में सबसे तेजी से यानी 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलता है। फिर हमने कहा कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है तो हमने कहा कि तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो हमने कहा कि जो तरंग की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति के जैसा होता है। फिर हमने कहा कि जो प्रकाश है उसके बारे में कई सिद्धांत आए, जिसमें हमने पहले बताया 1678 में हाइगेंस के बारे में कि हाइगेंस साहब जो थे उन्होंने कहा था कि प्रकाश जो है वो क्या है, एक तरंग का रूप है। और 1901 में मैक्स साहब ने कहा कि एक फोटोन है यानी ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक छोटा सा आप नोट्स तैयार करिएगा। वैसे वीडियो में हम आपको वीडियो के लास्ट में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे जहां से आपको सिलसिलेवार ढंग से नोट्स आपको मिल जाएगा। हम थोड़ा नीचे हटते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब देखिए इतना चीज हम लोग प्रकाश के बारे में समझे, अब जरा समझते हैं कि भाई ये प्रकाश जो है आता कहां से। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग उस समय सब पढ़ लिए कि भाई प्रकाश ऊर्जा है, देखने में मदद करता है, तो फिर भाई प्रकाश आता कहां से, ये उद्भवन कहां से होता है, तो इसके आधार पे यानी प्रकाश कहां से आता है, कैसे आता है, इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए हम लोग जितनी भी वस्तु है उसको दो भागों में बांट दिए। जितनी भी वस्तु है उसको कितने भागों में? दो भागों में हमने बांटा, पहला प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। जरा बताते हैं आपको एक से। देखिए जितनी भी वस्तुएं थी उन सारी वस्तुओं को हमने दो पार्टों में बांट दिया। वस्तु थे उनको कितने पार्टों में बांटा? दो पार्ट में। पहला जो वस्तु था उसको हमने कहा प्रदीप्त और दूसरे प्रकार की जो वस्तु थी उसको हमने कहा अप्रदीप्त। अब देखिए जरा समझ, हमने कहा कि प्रकाश आता कहां से है, तो इसके आधार पे हम लोग जितनी भी वस्तु थी उसको कितने भागों में बांटा? दो भागों में, पहला प्रदीप्त दूसरा
अप्रदीप्त। अब जरा समझते हैं भाई प्रदीप्त क्या होती है और अप्रदीप्त क्या होता है। तो वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करे, ध्यान से समझिएगा, वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य, अगर हम लोग बात करें सूर्य का, तारे, ये जितने भी होते हैं ये स्वयं क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। यानी प्रदीप्त वस्तु क्या है, तो वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, या आप लोग कह सकते हैं कि वैसी वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब दूसरा ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे कि वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप। अब जैसे मेरा मार्कर आपको दिख रहा है, अच्छा ये मार्कर जो है वो आपको दिख रहा है, क्या ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं करता है। मान लीजिए जो हमारा ये डस्टर के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं करता है। यानी कहने का मतलब आपका बुक, आपका बैग, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, बिहार बोर्ड में बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है, और वो होता है याद रखिएगा चंद्रमा के बारे में। बार बार ये हमसे पूछ लेता है कि बताइए कि चंद्रमा जो है वो क्या है, प्रदीप्त या अप्रदीप्त। तो याद रखिएगा चंद्रमा जो है अप्रदीप्त है। तो आप कहिएगा सर चंद्रमा तो रात में प्रकाश देता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चंद्रमा होता है इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यानी उस पर जब उसका लाइट पड़ता है तब हमें वो हमें नजर आता है। यानी चंद्रमा जो है वो कौन सी वस्तु में आएगा, तो अप्रदीप्त वस्तु में। तो हमने देखा कि भाई वस्तु को कितने भाग में बांट के, दो भाग में, प्रदीप यानी वैसी वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, वैसी वस्तु जिसका अपना प्रकाश न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। अर्थात सीधे सीधे एग्जाम्पल में हमने क्या बताया, चंद्रमा, बैग, मार्कर, आपका किसी भी क्लास का मान लिया बुक है, वो सारा चीज आ जाएगा किसमें, अप्रदीप्त। चलिए इतना तो हमें पता चल गया कि भाई प्रकाश जो है वो प्रदीप्त वस्तुओं से उत्सर्जित होता है। तो फिर बात हो कि सर सूर्य जो है उतना दूर है, तारे उतने दूर है, तो फिर वहां से हमारे पास कैसे आता है, इतना दूर कैसे आता है। तो देखिए जो सूर्य हो गए, तारे हो गए, या कोई वस्तु हो गई जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो जब वहां से चलती है तो याद रखेगा यहां से एक और कंसेप्ट कि जो प्रकाश होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यानी थोड़ा देर के लिए समझिए कि अगर ये हमारा सूर्य हो जाए तो यहां से प्रकाश जो निकलेगा तो एकदम सीधी रेखा में निकलेगा। अब इसका मतलब हुआ, सीधे सीधे याद रखिएगा कि जब भी चलेगा प्रकाश तो सीधे पथ में चलेगा, कभी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर प्रकाश गमन नहीं करता है। तो एक कंसेप्ट भी याद रखिएगा कि प्रकाश ज्योति है हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। यानी सूर्य जो होगा, तारे जो होंगे, वहां से जब प्रकाश निकलती होगी तो सीधी रेखा में हमारे तक पास तक पहुंचती होगी। तो वो जो सीधी रेखा में उनका जो पथ बनता है उस पथ को हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण, याद रखिएगा। यानी प्रकाश की जो पथ होता है, यानी प्रकाश जिस पथ से आता है वो पथ क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। अब सीधे सीधी बात समझिए, जैसे आपके घर में टॉर्च होगा तो आप टॉर्च जलाते होंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे इसे जलाते होंगे टॉर्च, तो यहां से एकदम ऐसा लगता होगा जैसे पाइप के जैसे एकदम लाइट निकलता होगा। तो वहां पे क्या होता है, क्या एक ही किरण होता है, नहीं, वहां पे कई किरणों का समूह होता है, किरणों का वो समूह होता है। तो जब किरणों का समूह होता है तो उसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं, किरण पुंज। एक बार फिर से समझिए, हमने कहा कि जब क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु से जब प्रकाश निकलती है तो वो सीधी रेखा में गमन करती है, और सीधी रेखा में गमन करते हुए हमारे पास तक पहुंचती है। हमने कहा कि प्रकाश का जो पथ होता है उसको हम लोग किरण के नाम से जानते हैं, और किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब उसके बाद से हम लोग को जानना है कि जो किरण पुंज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज होता है कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। लेकिन वो चीजें जो होगी वो हम लोग कल अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो जो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहीं पे सॉर्ट आउट करेंगे, और किरण पुंज जो होगा उसके बारे में कल हम यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
लेकिन उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितना चीज हम लोग आज पढ़े हैं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश क्या है, तो हमने बताया प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। फिर हमने कहा कि प्रकाश जो होता है उसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह एक क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश जो होता है इसका चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है और 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर हमने आपको हाइगन साहब के बारे में बताया जिन्होंने कहा था कि क्या है, प्रकाश जो है एक तरंग का रूप होता है। और साथ ही साथ हमने आपको मैक्स साहब के बारे में बताया कि 1901 में इन्होंने कहा था कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के कणों से मिलकर बना है जिसको फोटॉन कहा जाता है। फिर हम लोग चर्चा की कि जो प्रकाश होता है आता कहां से है, तब हमने जितनी भी वस्तु थी उसको दो भागों में बांटा, एक प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। हमने कहा कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहती हैं, और वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं या जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग अप्रदीप्त कहते हैं। फिर हमने कहा जब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलती है तो वो हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है, और प्रकाश का जो पथ होता है, यानी पथ मतलब रास्ता, तो जो रास्ता होता है, पथ होता है, उसको हम लोग किरण कहते हैं। फिर हमने कहा कि जो किरणों का समूह होगा, समूह का मतलब बंडल, जैसे मान लीजिए झाड़ू होता है, आपके घर में झाड़ू होगा ना नारियल वाला, तो एक वो निकालिएगा तो पतला सा एक सिक्का टाइप से निकलेगा, सिक टाइप से, तो वो हो गया मान लीजिए क्या आपके लिए किरण, वो हो गया क्या किरण। जैसे झाड़ू खरीद के लाते हैं ना नारियल वाला, तो उसमें से एक वो जो लकड़ी वाला निकालिएगा तो वो क्या कहलाएगा, किरण। और जो झाड़ू का जो मान लीजिए पूरा का पूरा बंडल बना रहता है ना, तो वो हो जाएगा किरण पुंज। यानी सीधे सीधे याद रखेगा कि किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो इतना चीज हम लोग आज जाने, इसका जो नोट्स होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा या हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके आगे का जो टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर उसको पढ़ाएंगे, फिर उसका नोट्स जो होगा अगले आपको उसी दिन वीडियो के नीचे मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग का कैसे कैसे क्लास चलेगा उसके बारे में। हम आपको बता दें कि हम लोग अभी तत्काल साइंस और मैथ को ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो मार्च में यानी तीसरा महीना जो है इसमें अभी साइंस और मैथ की ही क्लास चलेगी। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट किए हैं फिजिक्स, और दूसरा आपका सीक्वेंस में चलेगा मैथ। मैथ जो होगा अल्टरनेट आप लोग का क्लास मिलेगा, यानी 15 तारीख को अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स क्लास लगा है तो 17 तारीख को मैथ की पहली क्लास मिलेगी, फिर 18 को एक दिन छुट्टी रहेगा, फिर 19 तारीख को आपको फिजिक्स का, फिर 20 रूप के 21 को, यानी एक एक दिन अल्टरनेट करके आप लोग को क्लास मिलेगा। यानी आपका पहला क्लास जो अब लगेगा मैथ का वो 17 तारीख को लगेगा, याद रखिएगा, एकदम दिमाग में रखिएगा 17-3-21, इस दिन को एकदम आप लोग अपना नेट वोट बचा कर रखिएगा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि उस दिन मैथ की पहली क्लास आएगी और उसमें हम आपको एकदम बेसिक से बताने जा रहे हैं कि एकदम शुरू से आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना के वजह से क्लास 9th की पूरी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए, तो सारा बेसिक लेकर हम चलेंगे और ये मैथ का चलेगा। मार्च महीने तक हम लोग ऐसे ही ले चलेंगे अल्टरनेट, अप्रैल से हम लोग क्या करेंगे, आपको सप्ताह में 6 दिन का क्लास मिलने लगेगा, 6 दिन हम आपको लिए क्लास लेके आएंगे, तब हम आपको मैथ साइंस हिंदी SST बाकी सब का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक यही हमारा शेड्यूल रहेगा, यानी एक एक दिन अल्टरनेट करके आपका एक एक क्लास जो होगा वो आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारी वीडियो को थोड़ा सा एक कोड याद रखेगा मेरा, SLS। अब आप पूछिएगा सर SLS मतलब, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, S मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, L मतलब थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और S मतलब शेयर कर दीजिएगा। तो ये 3 वर्ड मेरा जरूर याद रखिएगा, SLS, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ सके और हम अच्छे ढंग से आपको मेहनत करें ताकि आपको अच्छे ढंग की पढ़ाई मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।